साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त डीएस पंवार और आप देख रहे हैं डीएस पंवार ऑफिशियल चैनल। आप सभी का मैं अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। आज इस वीडियो में AWPL वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के शानदार प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन के अंदर आप सभी का स्वागत है। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ जाए हमारी फैमिली के साथ और भी नए नए इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए। तो गाइज, बिना देरी किए आज के शानदार ट्रेडिंग प्रोग्राम को शुरू करते हैं। बने रहिए वीडियो में एंड तक। आज का सबसे पहला प्रोडक्ट दोस्तों जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों, वो है फेनल डॉग ड्रॉप। दोस्तों ये हमारा प्रोडक्ट ऐसा है जो बहुत कम लोग जानते हैं कि सौंफ को इंग्लिश में फेनल कहा जाता है। सौंफ को इंग्लिश में फेनल कहा जाता है। दोस्तों इसके फायदे आपको पता होने से कि फेनल हमारी बॉडी में क्या फायदे करती है। दोस्तों सबसे पहले ये आपके मसल्स को, जो आपके डाइजेस्टिव मसल है, दोस्तों आपको पता है कि सौंफ जो है वो गाजर के परिवार से बिलोंग करती है। गाजर के परिवार में फूल वाले पौधे की प्रजाति होती है सौंफ। सौंफ गाजर के परिवार से, तो बहुत कम लोग जानते हैं इसको। बारहमासी मिलती है, इसकी तासीर ठंडी होती है और बहुत कम चीजें ऐसी हैं जो आयुर्वेद में वात पित्त और कफ तीनों बैलेंस करती हैं। दोस्तों उसमें से सौंफ एक है, वात पित्त और कफ तीनों बैलेंस करती है ये। दोस्तों आपके लिए ये बताऊं मैं, कैंसर के लिए रामबाण इलाज साबित हो सकता है। आपकी याददाश्त को बढ़ाने का काम करती है बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं दोस्तों याददाश्त बढ़ाने में। दोस्तों आपको इसके दो मेन यूजेस पता होने चाहिए कि फेनल डॉग क्या करता है। फेनल क्या करता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है, प्लस आपके मुंह में जो दुर्गंध होती है उसको क्लीन करके सुगंध बनाता है। जैसे आपने देखा होगा, आप कभी कोई रेस्टोरेंट में या कहीं खाने जाते हैं बाहर, तो आपने देखा होगा मुखवास या सौंफ का इस्तेमाल जरूर करते हैं खाने के बाद। आप सौंफ या मिश्री का करते हैं ना, आप लोग खाते हैं ना। तो दोस्तों वैसे ही ये हमें जरूरत होती है। सौंफ के दो काम होते हैं, दो काम कौन कौन से होते हैं, ये आपको हेल्प करती है एक तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने में, और ऊपर से आपको क्या करने में, ये आपके मुंह की दुर्गंध को दूर करने में। ठीक है दोस्तों, अब इसका कैसे यूज है वो आप देख लीजिए कि आपके मसल डाइजेस्टिव मसल्स को स्मूथ बनाती है। ठीक है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम को आपको मतलब इजी करती है, ताकि आपका जो डाइजेशन से साथ में आपको पेन हो रहा है वो आपको पेन ना हो, मेन बात ये है इसका। ठीक है, कई बार क्या होता है डाइजेशन के साथ हमें पेन बहुत ज्यादा होता है, तो कॉन्स्टिपेशन हो, ब्लॉटिंग हो। दोस्तों जैसे हमारे तो कभी जब पेट में दर्द होता था जब हम छोटे थे, तो मम्मी क्या करती थी, सौंफ लेती थी, सौंफ का पानी उबाल लेती थी, फिर उसको ठंडा करके छान कर हमें देती थी, हम एक दिन में ठीक हो जाते थे। एक दिन में इतना इफेक्टिव था दोस्तों ये। एंटी स्पेस्मोडिक इफेक्ट छोड़ता है कोलोन के अंदर। दोस्तों एंटी स्पेस्मोडिक क्या होता है आपको पता ना, हमारे पेट में मरोड़ पड़ती है, हमें कई बार पता लगता है, कई बार मरोड़ पड़ती है, दर्द बहुत ज्यादा होता है, असहनीय पीड़ा होती है। दोस्तों वो जो पीड़ा होती है वो हमारे कोलोन के अंदर होती है। कोलोन होता है हमारा छोटी आंत और बड़ी आंत, उसके अंदर हमारा जो खाना है वो हमारे शरीर से बाहर निकलने से पहले वहीं पर रुकता है वो, तो वहां पर टॉक्सिन्स बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं। लास्ट में जब हमारा बॉयल मूवमेंट नहीं होता, हमारा पेट साफ नहीं होता है, तो वहां हमें मरोड़ पड़नी स्टार्ट हो जाती है दोस्तों। तो उसको ये हेल्प करता है, कम करता है, एंटी स्पेस्मोडिक इफेक्ट छोड़ता है ये। दोस्तों बहुत इफेक्टिव है, हेल्पफुल है किस चीज में, ब्लोटिंग और एक्सेसिव गैस में। जिनको ब्लोटिंग होती है, जैसे पेट जिनका फूल जाता है खाने के बाद, या एक्सेस गैस बनती है, दोस्तों उनको लिए फेनल डॉग बहुत अच्छा काम कर सकता है। दोस्तों एट लास्ट एक बहुत ही शानदार हर्ब है ये हमारे लीवर के लिए। तो दोस्तों हमारे लीवर के लोड को, जो डाइजेस्टिव सिस्टम के लोड को दोस्तों कम करने में बहुत हेल्प करती है फेनल डॉग ड्रॉप। दोस्तों लेने का तरीका, गुनगुने पानी में ले सकते हैं इसको, आप चाय में ले सकते हैं, दूध में ले सकते हैं, डेली 1 से 1.5 ml आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और पूरे परिवार को अगर टेस्ट इसका लग जाए दोस्तों तो बहुत अच्छे सारे बेनिफिट उनको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, चीज आप ध्यान रखें। ठीक है दोस्तों आगे बढ़े। दोस्तों आज हम जितने भी प्रोडक्ट हम आज से डिस्कस कर रहे हैं ना, इनके साथ आपको इम्यूनोडॉग और थंडर ब्लास्ट तो लेना ही लेना है, लिख लीजिए आप लोग, इम्यूनोडॉग और थंडर ब्लास्ट सबके साथ लेना है। तो जिन लोगों को डायबिटीज की समस्या है उनको आप इम्यूनोडॉग ना देकर उनको देंगे आप सीबक डॉग जूस, प्लीज लिख लीजिए। क्या देंगे आप? सीबक डॉग जूस। जिनको शुगर की बीमारी है उनको इम्यूनोडॉग ना देकर हम देंगे सीबक डॉग जूस। क्लियर है दोस्तों? अगला प्रोडक्ट दोस्तों हमारा, अगले प्रोडक्ट का दोस्तों नाम है स्टीविया डॉग ड्रॉप। दोस्तों स्टीविया एक बहुत ही हेल्दी आपका ये शुगर रिप्लेसमेंट है। दोस्तों इसको मैं आयुर्वेदिक स्वीटनर का नाम देता हूं, क्योंकि ये आपकी शुगर, क्रिस्टलाइन शुगर को हटाकर ये खुद आपको पूरी मिठास दे सकता है। दोस्तों स्टीविया एक ऐसा पौधा है जिसके पौधे की पत्तियों को हम लोग यूज करते हैं मिठास बनाने के लिए ग्रीन टेक्नोलॉजी के द्वारा। सबसे पहले दोस्तों ये पौधा उगाया गया साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका से दोस्तों देखते देखते कुछ ही सालों में ये पौधा पूरे विश्व भर में बहुत
ज्यादा प्रचलित हो गया, क्योंकि दोस्तों डायबिटिक पेशेंट अगर मीठा खा पा रहा है तो वो स्टीविया ही खा पा रहा है, इतना दोस्तों अच्छा है ये। भारत के अंदर भी दोस्तों बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जो पहले मिठाई बनाने के लिए या केक्स बनाने के लिए, बेकरी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए वो चीनी का इस्तेमाल करते थे, बट दोस्तों आज की डेट में वो सभी स्टीविया का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कोई भी डायबिटिक पेशेंट उनको यूज कर सकता है। दोस्तों स्टीविया जो है वो लगभग चीनी से 2500 गुना ज्यादा मीठा हो सकता है और बिना किसी कैलोरी के, ये सबसे बड़ी बात है, चीनी से लगभग 2500 गुना ज्यादा मीठा हो सकता है बिना किसी कैलोरी के, है ना दोस्तों, कमाल की चीज। दोस्तों जो आप पूरे आप लोग अपने घरों में अगर इस्तेमाल करते हैं क्रिस्टलाइन शुगर का इस्तेमाल करते हैं आप, तो आप लोगों को मुझे लगता है कि आपको पता होगा क्रिस्टलाइन शुगर हमारी बॉडी के लिए कितनी ज्यादा खतरनाक है, हमें शुगर कंजप्शन नहीं करना चाहिए क्रिस्टलाइन शुगर का दोस्तों। बट ये जो है आपको उस शुगर का रिप्लेसमेंट अगर बना के स्टीविया का इस्तेमाल करते हैं आप, तो आपको बहुत हेल्प मिल सकती है। आप क्या करें, आप इसको ठंडा गर्म मीठा जैसा भी आप चाहते हैं इसको आप यूज करना वैसा कर सकते हैं। घर में मिठाई बनानी हो, हलवा बनाना हो, चाय बनानी हो, दूध मीठा करना हो, कुछ भी करना हो आपको, तो आप चीनी की जगह स्टीविया का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। इससे दो बेनिफिट होंगे, एक तो चीनी का खर्चा आपका बचेगा, हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, और डायबिटिक पेशेंट भी चीनी का इस्तेमाल मतलब मिठास को जो है फील कर सकता है बड़े आराम से। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़े, चलिए दोस्तों अगला प्रोडक्ट हमारा बहुत कमाल का प्रोडक्ट दोस्तों, जिसका नाम है डिजिडॉक पाउडर। दोस्तों ये एक ऐसा यूनिक कॉम्बिनेशन है हर्ब्स का, स्पाइसेस का, और बहुत जबरदस्त मसालों का ऐसा मिश्रण है जैसे जो आपके बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने का दोस्तों काम करता है। इसके आप इंग्रेडिएंट से समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अनारदाना है, त्रिफला है, जिंजर है, सेंधा नमक है, जीरा पाउडर है, धनिया पाउडर है, इलायची पाउडर है, अजवाइन, सौंफ, काली मिर्च, काला जीरा, कलौंजी, लेमन सत, हींग और बड़ी इलायची, दोस्तों ये सभी इसके अंदर पाया जाता है। दोस्तों ये सभी के सभी क्या करते हैं, इनका सबसे इंपॉर्टेंट जो काम होता है ये आपके खाने को अच्छे से ब्रेक डाउन करते हैं। जो आप खाना खाते हैं ना उसको अच्छे से ब्रेक डाउन करते हैं। खाना के दोस्तों उसके कई सारे पार्ट होते हैं, फैट्स होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, ये तीनों को अच्छे से ब्रेक डाउन करता है। आपके खाने को ब्रेक डाउन किया, फिर उसके बाद उस खाने से मिले हुए जितने भी इंपॉर्टेंट ऑप्टिमल न्यूट्रिएंट हैं उनको एब्जॉर्ब कर देता है। दोस्तों डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा अगर स्ट्रांग है तो खाने को हम अच्छे से पचा पाएंगे और खाना हमारी बॉडी में वेस्ट नहीं होगा, और जितना खाना हम खाएंगे वो अच्छे से ब्रेक डाउन होगा और उसका हम सारा का सारा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लेंगे हमारी बॉडी के अंदर। दोस्तों ये इसका मेन काम होता है डिजिटॉक पाउडर का। दोस्तों गैस की समस्या हो किसी को, ब्लोटिंग की समस्या हो, इनडाइजेशन हो, या कॉन्स्टिपेशन हो, खाने के बाद जो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है दोस्तों, उसमें सभी में आपको हेल्प कर सकता है ये। आपकी बॉडी के अंदर डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट फूड्स को भी डाइजेस्ट करने के लिए बहुत हेल्प करता है। दोस्तों डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट फूड्स कौन से होते हैं? डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट फूड्स दोस्तों वो होते हैं जैसे कोई नॉनवेज खाता है, मीट मांस मच्छी खाता है, या फिर वो मैदा खाता है। मैदा दोस्तों सबसे खतरनाक है। मैदा दोस्तों पास्ता, पिज्जा, बर्गर, नूडल, मोमोज, मतलब ये सब खाना दोस्तों आपके लिए इतना है कि आप अपने शरीर पर रहम कीजिए। मतलब मैं आपको यही कहूंगा, इतने खतरनाक है, हम लोगों को पता नहीं होता इनके बारे में, बट प्लीज आप इसका बहुत ध्यान रखें, आप मैदा का सेवन बिल्कुल बंद कर दें। अब आप ये मत सोचना सर अब तो डिजिटॉक है तो मैदा भी खाएंगे और ये भी खाएंगे डाइजेस्ट हो जाएगा, ऐसे नहीं करना दोस्तों। हमारे शरीर की जो टेंडेंसी है वो खत्म हो जाती है, फिर डाइजेस्टिव टेंडेंसी वो हमारी खत्म हो जाती है। तो इसलिए दोस्तों आपने ध्यान रखना है कि डिजिटॉक पाउडर का जो इस्तेमाल है वो आपने करना है, पर थोड़ा परहेज भी करना है, मांस मच्छी मदिरा ये सब नहीं खाना है, और आपको जो है ये मैदे का सेवन आपको बिल्कुल नहीं करना है। दोस्तों आपकी कोलोन हेल्थ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपकी कोलोन को ये क्या करता है, ये फ्री करता है, ये उसको खाली करता है। मतलब कोलोन से दोस्तों बॉल मूवमेंट बहुत जरूरी होता है, उसको बाहर निकलना होता है बॉवल मूवमेंट को, दोस्तों वो कई बार हम नहीं निकाल पाते, हमारा पेट कभी साफ नहीं हो पाता, ये आपको हेल्प करेगा आपका पेट पूरी तरह से साफ करने के लिए। क्लियर है दोस्तों, बात समझ में आ गई सबको। इसको दोस्तों यूज कैसे करना है, 100 ग्राम पैकिंग में आपको मिलता है, 100 ग्राम की पैकिंग में आता है ये। आपको यूज कैसे करना है, इसको यूज करना दोस्तों आपको खाने के 1 घंटे बाद 150 से 200 ml पानी लेना है गर्म, और उसमें 3 से 5 ग्राम ये डाल के आपको इस्तेमाल करना है। मेरे ख्याल से किसी को कुछ डाउट है आप प्लीज चैट लिख सकते हैं, मैं आपके चैट में रिप्लाई कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है ना। ये थोड़ा सा ब्रेक लग जाएगा इसलिए मैं आपको ऐसे मैं नहीं पूछ रहा हूँ, आप चैट लिख दीजिए, मैं आपके चैट पर रिप्लाई कर दूंगा। ओके दोस्तों, आपको इम्यूनोडॉक थंडर प्लस जरूर लेना ही है। अब चलते हैं अगले प्रोडक्ट की तरफ। दोस्तों अगला प्रोडक्ट और भी कमाल का प्रोडक्ट दोस्तों, ये हमारी कंपनी का थर्ड ऐसा प्रोडक्ट है जो वेट लॉस में सपोर्ट करता है आपको।
सबसे पहले दोस्तों मैं बताऊं आपको, सबसे पहले वेट लॉस के चार प्रोडक्ट बताए थे, हर्बल टी, ओबियोडॉक, फिट डॉग पाउडर एंड स्लिम डॉग पाउडर। तो ये सभी जो है वेट लॉस में आपकी एड करते हैं, हेल्प करते हैं आपको दोस्तों। इसके अंदर आप फिट डॉग पाउडर के अंदर आपको वेट लॉस तो करता है, इसमें दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो सब एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट दोस्तों ऐसे कुछ तत्व होते हैं खाने में एंटीऑक्सीडेंट दोस्तों जो हमारी बॉडी में एनर्जी की कमी नहीं होने देते, आपको एनर्जी देते हैं। कम खाने से ज्यादा एनर्जी मिल जाएगी तो खाना कम खाया जाएगा आपसे और आपका वेट भी लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। स्किन के लिए दोस्तों बहुत अच्छे होते हैं, जब आप रेगुलर एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल करते हैं तो स्किन के लिए दोस्तों बहुत ही अच्छे माने जाते हैं, बहुत अच्छा। ये स्किन पे चेहरे पे नूर ले आते हैं आपके और एपेटाइट को कम करते हैं, खाने को खाने की आपकी जो वो होती है वो टेंडेंसी कम हो जाती है। इसमें आप पढ़ सकते हैं ग्रीन टी, लेमन ड्राई, अश्वगंधा, ग्रीन इलायची, जीरा, मुलैठी, काली मिर्च, जिंजर, तुलसी, दालचीनी, हींग पाउडर और सेंधा नमक, दोस्तों ये सभी इसमें पाए जाते हैं। दोस्तों ये क्या करता है, फिट डॉग पाउडर आपके एनर्जी लेवल्स को इंक्रीज करता है पूरे दिन भर के। दोस्तों ये बहुत अच्छा वेट लॉस सप्लीमेंट है, ठीक है ना, जो आपको हेल्प करता है वेट को जल्दी से जल्दी घटाने में। दोस्तों ये टॉक्सिन्स को आपकी बॉडी से रिमूव करता है जो आपकी बॉडी के अंदर फैट को कम करने में रुकावटें पैदा कर रहे थे। एपेटाइट को सप्रेस करता है, एपेटाइट सप्रेस का मतलब होता है कि आपकी भूख को कम करता है, कम खाने से आपको ज्यादा जो है वो एनर्जी पूरी मिल जाती है। उसके बाद दोस्तों ये आपकी बॉडी में एडिशनल एनर्जी डालता है बिना किसी घबराहट के, रुकावट के। तो फिट डॉग पाउडर एक बहुत ही जबरदस्त नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट से भरा हुआ ये प्रोडक्ट है। इसको लेने का तरीका दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको, सुबह खाली पेट आप इसका सेवन करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट देगा ये। मैंने बताया 150-200 ग्राम पानी गरम गरम लीजिए, उसमें 3-4 ग्राम ये पाउडर डालिए, मिक्स कर लीजिए और आपकी जो है चाय बनकर तैयार होगी। आपकी वेट लॉस चाय है ये, आपकी एनर्जी को पूरा करने का काम करती है और वेट लॉस करने में आपकी बहुत हेल्प करती है, ठीक है। फ्रेंड्स आगे चल सकते हैं दोस्तों, इम्यूनोडॉक थंडर ब्लास्ट सबके साथ भूलना नहीं है, मैं बार बार याद दिला रहा हूँ आपको। तो सब बात करते हैं ओमेगा डॉग कैप्सूल की। दोस्तों ओमेगा थ्री फैटी एसिड्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे ब्रेन के लिए, हमारे बॉडी के लिए, ब्रेन के। दोस्तों हमारे ओमेगा थ्री फैटी एसिड को हमारे ब्रेन का पावर हाउस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर ईपीए और डीएचए दो जो है इसमें केमिकल्स होते हैं, ये नेचुरल केमिकल्स होते हैं जो आपके ब्रेन के फंक्शनिंग को इम्प्रूव करते हैं, जिससे आपकी मेमोरी एनहेंस होती है, ब्रेन फंक्शनिंग इंप्रूव होती है। दोस्तों ओमेगा वैसे तो आपको बहुत सारी चीजों से मिल सकता है, ब्राजीलियन नट से मिल सकता है, काजू से मिल सकता है, अखरोट के तेल से मिल सकता है, हरी पत्तेदार सब्जियों से मिल सकता है, जैसे फूल गोभी हो गई और ब्रोकिली हो गई, उसमें भी होता है दोस्तों। और उसके बाद अब मुझे ये बताइए क्या ये सारी चीजें डेली रूप पे खाना हमारे लिए पॉसिबल है डेली? अगर हम दोस्तों डेली नहीं खा पाएंगे तो फिर हमें ओमेगा कंप्लीटली कहां से मिलेगा? इसलिए हमें जरूरत पड़ती है हमें थोड़े से एक्सटर्नल सप्लीमेंट्स लेने की। जब हम अपनी डाइट से अपने पूरी जो है वो बॉडी की हम कमियों को कंप्लीट नहीं कर सकते, तब इसलिए हमें जरूरत पड़ती है हमें एक्सटर्नल हमें सप्लीमेंट्स लेने की। दोस्तों ओमेगा डॉग जो है ये आपके हार्ट को, ब्रेन को, विजन को और स्किन को बेटर करने में बहुत अच्छा रहता है। हार्ट की जो है क्लीनिंग करता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा मेंटेन करता है, ब्रेन में ईपीए डीएचए रिलीज करता है, आंखों की रोशनी बढ़ाता है और साथ में स्किन में जैसे सोराइसिस या एक्जिमा की दिक्कत हो तो स्किन प्रॉब्लम उनको भी कम करने में बहुत हेल्प करता है। दोस्तों अर्थराइटिस के टाइम पे जो स्टिफनेस रहती है हमारी बॉडी के अंदर, अकड़न रहती है या टाइटनेस रहती है दोस्तों, ये रिमेटॉइड कंडीशन में भी आपको बहुत हेल्प करता है उनसे रिकवर करने में। दोस्तों ये बेस्ट वेजिटेरियन और प्योर सोर्स है फ्लैक्सीड, सुना है आपने, अलसी के बीज का तेल, दोस्तों इसकी वही इस्तेमाल किया गया है। मार्केट में बहुत सारे नॉन वेज जो है वो मिलते रहते, सी कॉड लीवर ऑयल हो गया जिसमें मछली का तेल जो है वो होता है। दोस्तों ओमेगा वेज सोर्स में अगर आपको मिल रहा है तो नॉन वेज लेने की जरूरत क्या है, वेज सोर्स में है दोस्तों। 30 वेज कैप्सूल्स की इसकी डोज आती है। मैं रिकमेंड करूंगा पहले 20 दिन आपको दिन में 2 बार 2 टैबलेट जरूर लेनी चाहिए, ठीक है ना, सॉरी दो टैबलेट लेनी चाहिए आपको दिन में, एक सुबह और एक शाम मिनिमम, स्टार्टिंग में 2 महीने, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़े चलिए दोस्तों मोरीडॉग की बात करते हैं। बहुत ही कमाल का दोस्तों ये नया एक इन्वेंशन है कह लीजिए, या इसको नया आप एक मैं क्या बोलूं इसको, आप इसको आप ये मानिए कि ये बहुत ही नई एक खोज है ये भी, और इससे अगला प्रोडक्ट है वो भी एक नई खोज है दोस्तों। अगर डायबिटीज की समस्या हो, अर्थराइटिस की समस्या हो, हार्ट प्रॉब्लम हो या डाइजेस्टिव इश्यूज हो दोस्तों, मोरिंगा आपको सभी में आपको हेल्प करेगा रिकवरी करने में। दोस्तों मोरिंगा बनता है
ड्रम स्टिक प्लांट के अंदर पाया जाता है मोरिंगा, ड्रम स्टिक प्लांट दोस्तों, इसको हिंदी में बोलते हैं सहजन, मोरिंगा बोलते हैं सहजन। ये दोस्तों वैसे तो ज्यादातर दक्षिण इंडिया में, सो ये दक्षिण भारत में इसकी खेती ज्यादा होती है, बट ये आपको हेल्प मतलब ये आपको इजिली अवेलेबल होता है, इंडिया के अंदर ही होता है दोस्तों। ये क्या करता है, आर्टरी में जमे हुए प्लाक को, गांठों को, गठन को खोलने का काम करता है। जो आपके हार्ट से आर्टरियां निकलती हैं जो आपको खून सप्लाई करती हैं, उनमें जो गांठें होती हैं उनको खोलने का प्रयास करता है, उनको खोलने में सक्षम होता है, ताकि जो आपके ब्लड पंपिंग है वो पूरी बॉडी में जो है वो इजिली हो पाए दोस्तों। और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी ये ठीक करने में, मेंटेन करने में आपकी बहुत हेल्प कर सकता है, जो हमारे हार्ट के स्वास्थ्य के लिए, हार्ट की जो वेल बीइंग है उसके लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। उसके बाद वैसे तो मोरिंगा विटामिन और मिनरल से पूरी तरह से भरा हुआ होता है दोस्तों, बट इसके अंदर जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, कैल्शियम भी है, प्रोटीन भी है, अमीनो एसिड्स के साथ साथ विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी इसमें बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है दोस्तों। तो मोरिंगा आपको हेल्प करता है पेन को कम करने में, जो आपकी बॉडी में पेन हो या इन्फ्लेमेशन हो जॉइंट्स के अंदर, जॉइंट्स इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है जैसे हमारे जॉइंट में सूजन हो रही हो, तो उसमें हेल्प कर सकता है। डाइजेशन इंप्रूव कर सकता है, मेटाबॉलिज्म को दोस्तों बहुत फास्ट कर सकता है, ताकि हमारा वेट जल्दी से जल्दी लॉस होना स्टार्ट हो जाए। उसके बाद दोस्तों ये आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है, इम्यूनिटी इंप्रूव करता है। और दोस्तों इसमें ना एक बहुत स्पेशल बात है, ये एफ्रोडाइसिक प्रॉपर्टीज होती है इसमें। एफ्रोडाइसिक प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है दोस्तों, जब कभी हमारे मन में सेक्सुअली हम लोग एक्टिव नहीं रहते टेंशन से, स्ट्रेस से, या किसी भी चीज से, तो एफ्रोडाइसिक प्रॉपर्टीज इसके अंदर हेल्प करती है आपको सेक्सुअली एक्टिव रहने के लिए। ये इसका मेन काम होता है, आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने में बहुत हेल्प करता है आपकी दोस्तों। कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में आपकी बहुत हेल्प कर सकता है, ताकि ब्लॉकेज खुले आपकी हार्ट की और इजिली जो है वो ब्लड पूरी बॉडी में पंप हो पाए दोस्तों। लीवर की लोड को कम करता है, क्योंकि ये आपको हेल्दी फंक्शनिंग का भी मतलब वो लीवर की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है, डाइजेशन आपको इम्प्रूव करके देता है। ठीक है दोस्तों, 60 वैच कैप्सूल्स की दोस्तों इसकी डोज है। मैं आपको पहले रिकमेंड करूंगा पहले 2 महीने एटलीस्ट 3 कैप्सूल्स पर डे जरूर लीजिए, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग, 3 टैबलेट्स 3 कैप्सूल जरूर लेने आपको पहले 2 महीने। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों इम्यूनोडॉक थंडरब्लास्ट सबने लेना है, याद रखना, वो मत भूल जाना, वो लेना ही लेना है दोस्तों। अब हमारे सामने है स्पाइरोडॉक कैप्सूल दोस्तों। स्पाइरोडॉक कैप्सूल बना है बेनली स्पिरुलिना से, पहले हमें स्पिरुलिना के बारे में जानना पड़ेगा दोस्तों। स्पिरुलिना दोस्तों इस पृथ्वी पर पाए जाने वाला मौजूद सबसे पुराना जीवन रूप है, ये चीज आप ध्यान रखें, सबसे पहले यही था पृथ्वी के ऊपर दोस्तों। ये हमारे एटमोसफेयर में ऑक्सीजन को बनाने के लिए भी बहुत हेल्प करता है, मदद करता है दोस्तों। ये वैसे तो नीला और हरा, मैं बता दूं, नीला और हरा एक शैवाल होता है, हिंदी में इसको शैवाल बोलते हैं, सूक्ष्म जैसे एल्गी होता है पानी के अंदर, काई जिसे बोलते हैं, काई दोस्तों, उससे ही इसको ड्राइव किया जाता है दोस्तों। जब मतलब इस पूरी पृथ्वी पर कोई और जीवन रूप बना भी नहीं था, तब से ये शैवाल जो है वो हमारी पृथ्वी पे है दोस्तों। स्पिरुलिना उससे निकला हुआ एक ऐसा भोजन है जो खाद्य पदार्थ में दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा सुपर फूड के नाम से जाना जाता है। आप ये चीज ध्यान रखें, सुपर फूड, सुपर फूड दोस्तों इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें पूरी दुनिया में रिसर्च तो चली रही है, सारे देश देख रहे हैं, और इसमें क्या है दोस्तों, सभी के सभी खाद्य पदार्थ मौजूद होते हैं, सभी के सभी मतलब पोषक तत्वों से भरपूर होता है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं आपको, ये रियलिटी है, 18 टाइप्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स दोस्तों इसके अंदर पाए जाते हैं, 18 तरह के विटामिन मिनरल्स के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद दोस्तों क्लोरोफिल से भरपूर होता है, क्लोरोफिल हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, बॉडी इन्फेक्शन से बचाता है आपको, ठीक है ना। क्लोरोफिल अमीनो एसिड के सभी प्रकारों से युक्त होता है, ये अमीनो एसिड दोस्तों सारी तरह की पाई जाती है, हमारी बॉडी में भी होती है, बट सारी हमारी बॉडी भी नहीं बना पाती, तो उसके अंदर दोस्तों ये बहुत हेल्प करता है उसको बनाने में। उसके बाद दोस्तों 65% हिस्सा जितना भी हम स्पिरुलिना खाते हैं दोस्तों 65% हिस्सा प्रोटीन होता है, इतना ज्यादा प्रोटीन आपको किसी चीज में नहीं मिलेगा, ध्यान रखें। उसके बाद दोस्तों गाजर से 100 गुना ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है इसके अंदर, पालक से 50 गुना ज्यादा आयरन पाया जाता है, दूध से 7 गुना ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है, गाजर से 10 गुना ज्यादा कैरोटीन भी पाया जाता है जो आंखों के लिए बड़ा अच्छा होता है, अंडे से 6 गुना ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, फाइटोन्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स से दोस्तों भरपूर मात्रा में भरा हुआ होता है दोस्तों। इसका एक कैप्सूल बहुत जबरदस्त सोर्स है प्रोटीन का, विटामिन का, मिनरल्स का, बीटा कैरोटीन का और एंटीऑक्सीडेंट्स का दोस्तों। ये आपको एनर्जेटिक रखता है, एक्टिव रखता है, आपकी स्ट्रेस से लड़ने में आपकी हेल्प करता है और थकान को दोस्तों दूर रखता है। उसके बाद एनर्जी लेवल्स को इंक्रीज करने में दोस्तों बहुत हेल्प करता है ये,
थकान कम करता है, आपको स्ट्रेंथ प्रदान करता है और बोन्स को और मजबूती देता है। एलर्जी जैसे कॉमन फ्लू हो गया, कोल्ड हो गया, उनसे आपको बचाने में हेल्प करता है। वेट लॉस में दोस्तों आपको हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। गट हेल्थ इंप्रूव करता है। दोस्तों गट हेल्थ क्या होती है, हमारे जो पेट की समस्याएं होती है ना उनको गट हेल्थ कहा जाता है। पेट की जो रिलेटेड दिक्कतें होती है गट हेल्थ होती है वो। दोस्तों डायबिटीज कंट्रोल करना हो, लिवर डैमेज को रिकवर करना हो, मेटाबॉलिज्म को फास्ट या बूस्ट करना हो, उसमें बहुत हेल्प करता है। एंग्जाइटी डिप्रेशन से दोस्तों आपको बचाता है, टेंशन फ्री रखता है आपको, है ना दोस्तों। कमाल का प्रोडक्ट, कितने सारे इसके वो हैं बेनिफिट्स। 60 वेज कैप्सूल्स की डोज दोस्तों इसकी पैकिंग आती है। आपको एटलीस्ट 3 कैप्सूल्स पर डे फॉर फर्स्ट 2 मंथ्स आपको जरूर इस्तेमाल करने चाहिए। उसके बाद आप एक कैप्सूल सुबह शाम भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रमन जी आपके ऊपर है, देखिए हमने तो तीनों के बेनिफिट आपको बता दिए। आपकी बॉडी में जैसे जैसे लगता है आप तीनों में से तीनों भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दो भी और एक भी वो आप अपने एंड से देख सकते हैं, दिस इज टोटली अप टू यू। दोस्तों अगला प्रोडक्ट है हमारा वाइटेडॉक कैप्सूल। दोस्तों बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट है, जो लाइफस्टाइल डिसीज की मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था, जो डेफिशिएंसीज के बारे में आपको बता रहा था दोस्तों, वो इस वाइटेडॉक से आपको कंप्लीटली हेल्प मिल सकती है। दोस्तों ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट है। कैल्शियम दोस्तों क्या करता है, आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी को पूरा करता है। अश्वगंधा मेंटल फिजिकल स्ट्रेस से दोस्तों बचाने में आपको हेल्प करता है। लाइकोपीन दोस्तों एक फाइटो न्यूट्रिएंट है, याद रखिए, ये आपको टमाटर से मिलता है फाइटो न्यूट्रिएंट। लाइपोमा की गांठे सर, इसके लिए ना थंडर ब्लास्ट लीजिए, बहुत जरूरी है। पंच तुलसी ड्रॉप लीजिए। और देखिए अभी ना बीमारी के बारे में मत पूछिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप पहले प्रोडक्ट्स के बारे में पूछिए, बीमारी के बारे में मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, ठीक है ना। अभी सिर्फ आप प्रोडक्ट्स के बारे में समझिए पहले, अगर आप ये चीज लेनी स्टार्ट कर देंगे तो हो सकता है लाइपोमा वैसे भी आपके धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाए। प्राणायाम जरूर कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, शरीर में ऑक्सीजन की कमी से ही लाइपोमा की गांठें बननी स्टार्ट होती है। कपाल भाती हो गया, अनुलोम विलोम हो गया, भस्त्रिका बहुत जरूरी है। तो ये तीनों चीज आप करेंगे तो आपको इसमें लाइपो में बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा। गांठें जितनी भी शरीर की हैं वो डिसॉल्व हो जाएंगी अपने आप, टेंशन फ्री, 6 महीने के अंदर किसी भी तरह की गांठ खत्म हो जाएगी। 15-15 मिनट अगर सुबह शाम आपने भस्त्रिका कपाल भाती कर लिया तो ये खत्म हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद ये बात कर रहे हैं हम लाइकोपीन की। लाइकोपीन एक टमाटर में पाया जाने वाला एक फाइटो न्यूट्रिएंट होता है, जो आपके ब्लड के अंदर फॉलिक एसिड और आयरन की सप्लाई बढ़ाता है, जिससे आपका हीमोग्लोबिन भी इंक्रीज होता है और रेड ब्लड सेल्स भी इंक्रीज होते हैं। फिर उसमें ल्यूटिन पाया जाता है, ल्यूटिन दोस्तों आंखों के लिए बड़ा शानदार होता है। जिंक सल्फेट आपकी बॉडी की ओवरऑल ग्रोथ और इम्यूनिटी को बढ़ाने में दोस्तों आपकी बहुत हेल्प करता है। विटामिन डी थ्री दोस्तों क्या करता है, ये इंश्योर करता है जो कैल्शियम आप खा रहे हैं वो पूरी तरह से डाइजेस्ट होकर, मतलब वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब होकर आपकी हड्डियों में लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक है दोस्तों। अब मैं बताऊं वाइटेडॉक दोस्तों एक बहुत ही जबरदस्त क्लिनिकली स्टडीड और साइंटिफिकली फॉर्मुलेटेड ये कैप्सूल है दोस्तों। डेली बेसिस पे जितना चावल दाल सब्जी फल आपको जितना खाना चाहिए ना, वो एक कैप्सूल के अंदर सारे गुण उसके अंदर डाल के आपको दे दिए गए हैं। इसको फोर्टिफाइड किया गया है सभी एसेंशियल विटामिंस अमीनो एसिड्स और मिनरल्स से, ये डाले गए हैं इसके अंदर ताकि आपकी बॉडी की डेली रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो सके। आपके ब्लड सेल्स को इंक्रीज करने का काम करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। आपकी जो लाइफस्टाइल डिसीज है जैसे बाल गिरने की समस्या हो गई, आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, जॉइंट पेन हो गया, स्किन प्रॉब्लम हो गई, फिजिकल वीकनेस हो गया, नर्वस सिस्टम जो आपकी नसें हैं वो पूरी तरह से ब्लॉक है या पूरी तरह से खुली नहीं है, जो आपको आपको हेल्प आपको उससे थकावट बहुत जल्दी हो जाती है दोस्तों। वाइटेडॉक कैप्सूल के साथ मैं कॉम्बिनेशन लिखवा रहा हूँ, आप लिख लीजिए, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर आप स्वस्थ हैं, अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं, तो हो सकता है कि लाइफ में आपको कभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ना पड़े। लिखिए इम्यूनोडॉक के साथ थंडर ब्लास्ट, वाइटेडॉक कैप्सूल और प्रोडॉक पाउडर, ये 4 चीजें दोस्तों अगर आप रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं तो आप बिलीव कीजिए दोस्तों आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आपको अपनी सभी चीजों से आपको बचने के लिए, मतलब सब जो बीमारियां दोस्तों। लेना कैसे है इम्यूनोडॉक, खाने के 1 घंटे बाद 25 से 30 ml से स्टार्ट कर लीजिए, 20 ml से स्टार्ट कर लीजिए उसको दिन में 2 बार। थंडर ब्लास्ट इम्यूनोडॉक लेने के 1/2 घंटे बाद लेना है आपको, वो 15 ml से स्टार्ट करना है। वाइटेडॉक कैप्सूल ब्रेकफास्ट में 1 टैबलेट और डिनर में 1 टैबलेट, मतलब कैप्सूल आपको लेना है। प्रोडक्ट पाउडर दोस्तों आपको लेना है सोने से पहले, जब आप दूध का सेवन करें तो आपको उसके अंदर ये डालना है, 2-3 ग्राम 4 ग्राम तक डाल सकते हैं प्रोडक्ट पाउडर दोस्तों, ऐसे आपने इस्तेमाल करना है। और इनकी जो रिकमेंडेड डोज है 30 ml होती है, बट आपको मैं 15 ml 20 ml से स्टार्ट इसलिए करने कह रहा हूँ कि इतने प्योर हर्ब्स जब बॉडी में जाते हैं ना तो इंस्टेंट डिटॉक्सिफिकेशन स्टार्ट कर देते हैं, तो कई बार आपको मोशंस हो जाते हैं। मैंने थंडर ब्लास्ट से अक्सर हमने सुना है मोशंस, बट डरने की बात कोई नहीं होती है, ठीक है, वो आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर रहे हैं। इम्यूनोडॉक, थंडर ब्लास्ट, वाइटेडॉक कैप्सूल और प्रोडक्ट पाउडर याद रखेंगे आप सभी।
ठीक है दोस्तों, 30 वेज कैप्सूल्स की डोज आती है, पहले 2 महीने आपको 2 कैप्सूल्स पर डे इस्तेमाल करना है। उसके बाद जब आप 2 महीने आपके कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों, उसके बाद सिंगल कैप्सूल पर डे। मैं आपको पहले 2 महीने क्यों फोकस करने करूँ पता है दोस्तों आपको, इतने सालों से जो डेफिशिएंसी मेंटेन होती हुई आ रही है ना, वो ऐसे आपकी रिकवर जल्दी होगी। कोई साइड इफेक्ट तो है नहीं हमारे प्रोडक्ट्स का, तो डोज आप इसकी डबल डोज आप लीजिए पहले 2 महीने में, उसके बाद आप सिंगल डोज कर सकते हैं। ठीक है, 30 वेज कैप्सूल्स वाली जो 30 दिन की डोज होती है, ये 60 वेज कैप्सूल वाली भी 30 दिन की होती है, वो दिन में दो लेनी होती है और ये दिन में एक लेना होता है। पर स्टार्टिंग में मैं आपको वो 3 से 4 लेने को कह रहा हूँ, वरेडो कैप्सूल आपको दिन में दो लेने को कह रहा हूँ, याद रखिएगा आप लोग। चलिए दोस्तों आगे चलिए, दोस्तों अगला प्रोडक्ट बहुत ही कमाल का काउसीडॉक। दोस्तों काउसीडॉक एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हिंदी में बोलते हैं गाय का खीस, गाय के खीस से बना हुआ है, या फिर इंग्लिश में बोला तो काउ कोलेस्ट्रम। काउ कोलेस्ट्रम दोस्तों क्या होता है, जब गाय अपने बछड़े को जन्म देती है तो उसके बाद जो 3 से 4 दिन का वो दूध निकालती है, दूध देती है ना, वो बहुत गाढ़ा दूध होता है, बहुत पौष्टिक दूध होता है, उसको बोलते हैं दोस्तों हम काउ कोलेस्ट्रम या गाय का खीस। दोस्तों ये आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में बहुत हेल्प कर सकती है, आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में हेल्प कर सकती है, सभी के सभी नेचुरली। अच्छा, उस दूध को इकट्ठा किया जाता है, 3-4 दिन दूध देती है, उसको इकट्ठा किया जाता है, उसको सुखा के पाउडर फॉर्म में बना के कैप्सूल में डाल के आपको दे दिया गया है, बस ऐसा समझ लीजिए आप। दोस्तों बहुत ही जबरदस्त सोर्स है ये एंटीऑक्सीडेंट्स का, नेसेसरी जो हमें चाहिए, विटामिन है, अमीनो एसिड्स है, मिनरल्स, प्रोटीन सभी इसके अंदर पाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों इस प्रोडक्ट का ये है कि आपकी बॉडी के अंदर जो टिश्यूज या लिगामेंट्स डैमेज हो गए हैं उनको जल्दी से जल्दी रिस्टोर और रिपेयर करने का काम आता है, आपका हीलिंग प्रोसेस तेज कर देता है, बढ़ा देता है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस को दोस्तों बढ़ाता है, आयरन को रेड ब्लड सेल्स के अंदर छोड़ के, जिससे आरबीसीज का फॉर्मेशन इंक्रीज होता है और हीमोग्लोबिन भी आपका इंक्रीज होता है। दोस्तों इन सभी विटामिन और मिनरल्स में रिच होता है, जैसे जिंक है, कैल्शियम है, विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन B12, जो हमारी बॉडी की ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत 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 जरूरी है। दोस्तों बहुत जो बड़े स्पोर्ट्स पर्सन हैं, पूरी दुनिया के वर्ल्ड क्लास एथलीट्स हैं, उन लोगों को भी सीक्रेट पता है, वो भी काउ कोलेस्ट्रम का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं इससे उनका फिजिकल और मेंटल परफॉर्मेंस बहुत अच्छे से इंक्रीज होगा। ठीक है दोस्तों, जो लोग जिम जाते हैं, जो लोग वेयर एंड टियर ज्यादा करते हैं, ऐसी मेहनत वाला काम करते हैं, वो दिन में 2 कैप्सूल लीजिए सुबह शाम, और हम और आप जो लोग जिम नहीं जाते, नॉर्मल जीवन बिताते हैं अपना, वो 1 कैप्सूल पर डे से भी काम चल जाएगा। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ सकते हैं, चलिए एक और दोस्तों बड़ा कमाल का यूनिक प्रोडक्ट दोस्तों हमारे सामने है, जिसका नाम है जी कॉफी डॉग पाउडर। दोस्तों जी कॉफी डॉग पाउडर का मतलब है, ये जी से होता है गैनोडर्मा ल्यूसिडम। दोस्तों ये मशरूम के पौधे की प्रजाति होती है जो ज्यादातर साउथ एशियन कंट्रीज में पाई जाती है। साउथ एशियन कंट्रीज में दोस्तों इसकी पूजा भी की जाती है, जैसे भारत में तुलसी की पूजा होती है ना, और उसके कुछ मेडिसिनल बेनिफिट्स भी होते हैं, ऐसे ही गैनोडर्मा ल्यूसिडम को हिंदी में लिंग जी के नाम से जाना जाता है, या ऋषि पौधे को बोला जाता है इसको, लिंग जी या फिर ऋषि। दोस्तों ये एक इंस्टेंट कॉफी मिक्स है, पिसा हुआ। दोस्तों ये एक पाउडर है जो इंस्टेंट कॉफी की तरह काम करता है। दोस्तों ये क्या करता है, सुबह के समय अगर आप खाली पेट इसका सेवन कर लेंगे तो बहुत जबरदस्त एनर्जी ड्रिंक का काम कर सकती है आपके लिए। दोस्तों खूबसूरती बढ़ाने के लिए ये सारे के सारे इसमें नेचुरल ऑक्सीडेंट होते हैं। इसका सुबह खाली पेट 1 कप आपको डायबिटीज की बीमारी से बचा सकता है, मेटाबॉलिज्म दोस्तों फास्ट करता है मेटाबॉलिज्म को। दोस्तों नियमित रूप से अगर जी कॉफी डॉग का आप सेवन करेंगे तो हार्ट, ब्रेन, लिवर और स्किन, इनसे रिलेटेड लाइफस्टाइल डिसीज से आप अपने आप को बचा पाएंगे। ठीक है दोस्तों, उससे एंटीऑक्सीडेंट्स में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिससे क्या होता है दोस्तों, जिससे आपको स्किन में इंप्रूवमेंट मिलती है, आपको एनर्जी की कमी नहीं रहती है। दोस्तों ये डाइजेशन प्रोसेस को फैसिलिटेट करता है, लो कैलोरी शुगर और नॉन डेयरी क्रीमर के दोस्तों ये है। उसके बाद ये मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस को इंप्रूव करता है, आपके बॉडी माइंड और स्पिरिट को प्रोटेक्ट करें। जो लोग ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उनको इसका सेवन जरूर करना चाहिए। एनर्जी ड्रिंक मॉर्निंग में बड़ा शानदार है ये, मेटाबॉलिज्म को फास्ट करना, शुगर लेवल मेंटेन करना और आपके एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा को बढ़ाना, जिससे आपकी स्किन में और इम्प्रूवमेंट हो सके। तो सो इसको पीने का तरीका है, सुबह आप 200 ml पानी लीजिए गर्म, उसके अंदर आप इसको डाल लीजिए, क्या बोलते हैं, थोड़ा सा 3 से 4 ग्राम डाल लीजिए, आपकी कॉफी बनके बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो आप इसका सेवन खाली पेट सुबह कीजिए,
दोस्तों अगला प्रोडक्ट है हमारा इम्यूनिटी ड्रॉप, कह लीजिए सॉरी कर्कीडॉक ड्रॉप या कर्कीडॉक कैप्सूल। दोस्तों आप सभी जानते हैं टर्मरिक और कर्क्यूमिन में डिफरेंस होता है, ये मैं आपको बताऊंगा क्या डिफरेंस होता है, अभी बताऊंगा आपको मैं। दोस्तों टर्मरिक जो है आपको पता है जो हल्दी है वो हमारा कितना बड़ा जो है एक रोल प्ले करती है हमारे डेली लाइफ में, आपको पता है ये आयुर्वेद के अनुसार इसको खजाना माना गया है, काफी सारी चीजों को ठीक करने का, दवाई के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है इसको आयुर्वेद के अंदर, और बहुत ही जबरदस्त मसाले की तरह इस्तेमाल होती है जो डाइजेशन में इंप्रूवमेंट देती है, पेन को ठीक करती है, बॉडी में अगर इन्फ्लेमेशन हो ठीक है ना तो उसको भी ठीक करने का ये काम करती है। दोस्तों फ्रेंड्स सभी ने कैमरे बंद कर लिए, नोट्स बना रहे हैं ना सारे, कोई मतलब दिक्कत तो नहीं है कहीं आप इधर उधर लॉस है इसके अंदर। दोस्तों नोट्स बनाइएगा, बहुत डिटेल में मैं नॉलेज दे रहा हूँ हर एक चीज की, ओके। चलिए दोस्तों आपको कटी फटी त्वचा हो वूंड्स को ट्रीट करने में दोस्तों बहुत हेल्प करता है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है और बहुत सारे इसके हेल्थ बेनिफिट्स और भी होते हैं। दोस्तों प्रोस्टेट कैंसर की समस्या, ब्रेस्ट कैंसर की समस्या हो या फिर कोलोन कैंसर की समस्या हो, उन तीनों में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स पाए गए हैं, कैंसर को मारने में दोस्तों बहुत हेल्प करता है ये। एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज दोस्तों इसके अंदर होती हैं, जैसे जो शरीर में कोई सूजन हो या कोई केमिकल चेंजेस होते हैं बॉडी में उसमें बहुत हेल्प करता है। एंटीऑक्सीडेंट एडवांटेजेस होता है इसका, इसको हेल्दी सेल्स को प्रोटेक्ट करता है, कैंसर सेल्स को मारने का काम करता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा मेंटेन रखता है, हार्ट डिसीज से आपको बचा सकता है और डिप्रेशन कंट्रोल करने में आपको हेल्प करता है, जॉइंट पेन की समस्या हो, कफ की समस्या हो ठीक है ना, कफ होता है ना गले में कफ होता है उसमें भी बहुत हेल्प कर सकता है आपकी दोस्तों। और उसके बाद आपके ब्रेन सेल्स, आपके ब्रेन में नंबर ऑफ न्यूरॉन्स की मात्रा को बढ़ाता है जिससे आपकी मेमोरी भी इंप्रूव होती है दोस्तों। तो कर्कीडॉक ड्रॉप आपको ड्रॉप फॉर्म में दिया हुआ है, कर्कीडॉक कैप्सूल कैप्सूल फॉर्म में है, दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल कीजिए आप। ड्रॉप का इस्तेमाल करते हैं तो पानी के अंदर आप इसको 1 से 1.5 ml डेली पूरे दिन के अंदर, 1 ml कम से कम आपने 1.5 ml कम से कम लेना है पानी के साथ, थोड़ा सा गुनगुने पानी के साथ लीजिएगा। जो लोग कैप्सूल लेना चाहते हैं दोस्तों वो कैप्सूल ले सकते हैं, कैप्सूल दोस्तों दिन में कम से कम स्टार्टिंग में 2 कैप्सूल लीजिए 2 महीने तक, उसके बाद आप 1 कैप्सूल पर डे भी ले सकते हैं। क्लियर है दोस्तों, आगे चले चलिए दोस्तों। अब हमारे अगले ना 4 मेन प्रोडक्ट है जो कि ये पाउडर का काम करते हैं दोस्तों, पाउडर है बेसिकली। तो स्टार्टिंग में मैंने बताया था प्रोटीन की कमी कई बार हमारी बॉडी में रहती है तो उसे कैसे कैलकुलेट करना है दोस्तों। मसल लॉक पाउडर प्रोटीन की कमी को दूर करने के लिए और जो जिम जाते हैं उनकी मसल बिल्डिंग को इंक्रीज करने के लिए दोस्तों इस्तेमाल होता है। दोस्तों दूध के अंदर वैसे तो कई तरह के प्रोटीन निकलते हैं, जैसे छाछ निकलती है प्रोटीन, कैसिनेट निकलता है, कैसिन प्रोटीन निकलता है, वे प्रोटीन आइसोलेट होता है, वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट होता है। दोस्तों ये सारे प्रोटीन है आपकी बॉडी के लिए बड़े जरूरी होते हैं, इसमें सबसे जल्दी डाइजेस्ट होने वाला सबसे ज्यादा परसेंटेज वाला प्रोटीन दोस्तों आइसोलेट होता है, वो इसके अंदर है 90% से ज्यादा प्रोटीन होता है वे प्रोटीन आइसोलेट में। उसके बाद दोस्तों वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट में 75 से 85% प्रोटीन होता है दोस्तों। उसके बाद में एल ग्लूटामिन भी है दोस्तों। ग्लूटामिन क्या करता है, ये आपकी रिकवरी में हेल्प करता है, जो आप जिम जाते हैं आपके आपके बॉडी में वेयर एंड टियर हो जाता है टिश्यूज का, लिगामेंट्स टूट जाते हैं, उनको जल्दी से रिकवर करने में हेल्प करता है। बायोटिन हेयर स्किन और नेल्स के लिए बड़ा जबरदस्त होता है। फॉलिक एसिड आपके ब्लड के अंदर जाके ऑक्सीडेशन प्रोसेस को इंक्रीज करता है, रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाता है और हीमोग्लोबिन की मात्रा को भी बढ़ाता है। वाइटामिन ए ई सी B1 B2 B6 B12 एक्सेट्रा पूरी एक पूरा पेज भर जाता अगर मैं सारी वाइटामिन लिख देता तो। आप लोग जब प्रोडक्ट खरीदेंगे आप इसके पीछे देख सकते हैं कितने सारे वाइटामिन इसमें मौजूद है। ग्लूटेन बिल्कुल नहीं है, जिसे हम गेहूं की लाशा बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल नहीं है, लैक्टोज बिल्कुल नहीं है और एस्पर्टेम भी बिल्कुल फ्री है, शुगर भी इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। इसको यूज करने का तरीका, जो लोग जिम नहीं जाते हैं वो दिन में 2 स्कूप इस्तेमाल कर सकते हैं सुबह शाम। 240 ml दूध या पानी के अंदर डाल के अच्छे से इसको शेक कर लीजिए, शेकर बना लीजिए और इसको ले लीजिए। और जो लोग जिम जाते हैं वो दिन में 3 बार इसकी डोज भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्रोटीन की कमी जितनी भी है दोस्तों वो पूरी करने में आपकी बहुत हेल्प करेगा, ओके। चले आगे दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला प्रोडक्ट हमारा मास डॉग पाउडर। दोस्तों जिन भी लोगों को अपना वेट बढ़ाने में असिस्टेंस चाहिए, जो लोग ये सोचते हैं कि जिम जाने से उनका वेट बढ़ जाएगा, डाइट बढ़ाने से वेट बढ़ जाएगा, तो उन लोगों के लिए वेट बहुत अच्छे से बढ़ाने में हेल्प करेगा दोस्तों। कंप्लीट वेट गेनर है ये, सारे के सारे एसेंशियल विटामिंस और मिनरल्स इसके अंदर पाए जाते हैं, मसल बिल्डिंग में भी यूज होता है ये और प्रोटीन भी इसके अंदर होता है, वो आपके किसी भी तरह की प्रोटीन कमी को कंप्लीट कर सकता है। जिनको वेट कम है और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो ये इस्तेमाल करें, जिनका वेट ठीक है और जिनको मसल बिल्डिंग करनी है वो सिर्फ मसल डॉग का इस्तेमाल करें,
ठीक है दोस्तों, दोनों डिफरेंस ये है। अपने पूरे परिवार को मासक पाउडर दे सकते हो आप डेली, एक डोज दो डोज दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं है। बट ये बहुत अच्छा सोर्स है दोस्तों प्रोटीन का एथलीट्स के लिए। पोस्ट बॉडी वर्कआउट बहुत कमाल का होता है ये, सो इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने में आपकी बहुत हेल्प कर सकता है, बहुत ही कमाल तरीके से। दोस्तों इसका सबसे सही तरीका इसको यूज करने का ये है कि आप इसको एज अ मील रिप्लेसमेंट इस्तेमाल करेंगे। मील रिप्लेसमेंट का मतलब दोस्तों ये होता है कि जो आप खाने की जगह इसको ले पाए, ठीक है दोस्तों, आप दोपहर का खाना स्किप कर या रात का खाना स्किप कर आप रात के खाने की जगह ये दूध के अंदर इसको डाल के ले लीजिए, आपका वेट बढ़ाने में वैसे ही हेल्प कर देगा। तो दोस्तों इसको भी आप 30 ग्राम दिन में दो बार 240 ml दूध या पानी के अंदर मिला के दोस्तों कंज्यूम कर सकते हैं। इसकी खास बात दोस्तों ये है कि ये आपका वेट तो बढ़ाएगा बट आपको मोटापे का शिकार नहीं होने देगा, ये इसकी खास बात है। ये नहीं कि सिर्फ पेट ही पेट बढ़ाया जा रहा है, ऐसा मोटा नहीं बनाएगा आपको, ये पूरा हेल्दी बनाएगा, पूरी बॉडी का वेट इंक्रीज होगा, ये इसके लिए खास बात है। ठीक है फ्रेंड्स, इम्यूनोडॉक और थंडर ब्लास्ट जरूर यूज करना है, बार बार बोल रहा हूं मैं आप लोगों को। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं स्लिम डॉग पाउडर। दोस्तों मास डॉग पाउडर का बिल्कुल ये ऑपोजिट है स्लिम डॉग पाउडर। दोस्तों स्लिम डॉग पाउडर एक बहुत हेल्दी मील रिप्लेसमेंट है जो आपकी बॉडी में न्यूट्रिशनल नीड्स को फुलफिल करता है। चार बीमारी ऐसी होती है दोस्तों हमारे शरीर में जिनमें एक डॉक्टर आपको वेट लॉस करने के लिए सलाह देता है और हम लोग उसके अंदर वेट लॉस कर नहीं पाते। एक तो होता है अधिकतर मोटापा अधिक मात्रा में हो तो आपको वेट कम करना चाहिए, नहीं होता। डायबिटीज की समस्या हो, कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो, या फिर आपको डाइजेस्टिव इश्यूज हो या हार्ट की समस्या हो, तो इन चारों डिसीज में क्या करता है दोस्तों ये स्लिम डॉग पाउडर आपको पतला करने में हेल्प करता है, वेट घटाने में हेल्प करेगा। इन चारों बीमारियों में ये प्रूवन है कि इसने बहुत हेल्प की है आपको वेट कम करने के लिए बिना किसी प्रॉब्लम किए हुए। दोस्तों आपकी 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 बॉडी को ये एनर्जेटिक रखता है, बूस्ट करेगा, एनर्जी लेवल बढ़ाएगा, आपको फिट और एक्टिव रखने का ये काम करता है। दोस्तों ये मैनेज आपका वेट मैनेज करने में बहुत हेल्प करता है, डेली का कैलोरी इनटेक ये कम करता है जिससे आपको वेट मैनेज हो जाता है। दोस्तों हेल्दी ब्लड शुगर लेवल को सपोर्ट करता है और बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। दोस्तों जो आप स्प्राउट्स और वेजीज डेली आप खा रहे हैं उसके साथ में अगर आप ये वाले विटामिन्स और मिनरल्स भी जोड़ देंगे तो आपको कंप्लीट बॉडी न्यूट्रिशन ये बन जाएगा। आपको ये धीरे धीरे फिर पतला करना स्टार्ट करेगा, जब आपको जब आपकी कैलोरी इनटेक कम हो जाएगा, खाना आपका कम हो जाएगा, तो आपको ये वेट लॉस करने में हेल्प करेगा। दोस्तों इसके साथ ओबियोडॉक और हर्बल टी का इस्तेमाल करना चाहिए आपको। दोस्तों इसको यूज करने का तरीका 240 ml दूध और पानी के अंदर मिला के इसको आप 30 ग्राम इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो दूध में लेना या फिर पानी में लेना है। ये भी एक मील रिप्लेसमेंट है, इसको मील रिप्लेसमेंट का इस्तेमाल कीजिए, रात का खाना छोड़कर आप इसको लेके आराम से सो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है दोस्तों अगला है हमारा हाइट डॉग पाउडर। बहुत सारे लोगों को दोस्तों इसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी रहती है समझने में इसको कि जी हाइट बढ़ाता है, मेरे बच्चे की तो हाइट बढ़ाई नहीं, कौन सी एज तक बढ़ाता है। जी देखिए, सबसे पहले आपको ये बात समझनी है कि सिर्फ ये प्रोडक्ट लेने से हाइट नहीं बढ़ेगी, आप सिर्फ यही लेने से नहीं बढ़ेगी। आपकी बॉडी में तीन चीजें पहले फुलफिल होनी चाहिए, मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स। अगर वो आपकी बॉडी में सही मात्रा में जा रहे हैं, जितने चाहिए आपको, उसके बाद हाइट डॉग आपकी हेल्प कर सकता है आपकी हाइट बढ़ाने में, ये आप याद रखें। प्रोटीन दोस्तों आपके मसल बिल्डिंग का काम करता है, बालों का ध्यान रखता है, वो आपको हेल्दी बनाता है। दूसरा विटामिन्स दोस्तों, विटामिन्स क्या करते हैं, आपके वो ऑर्गन्स की जो है वो सुचारू रूप से चलाने के लिए उनको हेल्प करते हैं। मिनरल्स आपकी हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं दोस्तों। तो ये क्या करता है दोस्तों हाइट डॉग पाउडर, अगर आप वो तीनों चीज आप अच्छे से ले रहे हैं और फिर उसके साथ इसका इस्तेमाल करते हैं साथ में, तो आपके स्ट्रेस को कम करने के लिए, एंग्जाइटी कम करने के लिए आपकी बहुत हेल्प कर सकता है, बॉडी को रिजुवनेट कर सकता है थकान कम करके, और एंटीऑक्सीडेंट्स में बहुत सारे होते हैं, आपकी इन्फ्लेमेशन को कम करने में हेल्प करते हैं, इम्यूनिटी बूस्ट कर सकता है दोस्तों आपकी, ये आपके मसल मास को टोन कर नए सेल जनरेशन को प्रमोशन करता है और टिश्यू ग्रोथ भी दोस्तों बढ़ाता है। तो ये इसका मेन काम है दोस्तों। इसको आपने कैसे इस्तेमाल करना है, 30 ग्राम आपने इस्तेमाल करना है, इसको 240 ml दूध या पानी के अंदर मिला के आपका जैसा मन करे आप ठीक करें आप उसको वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। दिन में दो बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसका आप, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे चलिए दोस्तों, अगला प्रोडक्ट है हमारा इम्यूनिटी ड्रॉप। बहुत ही कमाल का अल्टीमेट यूजर, मतलब बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है, अपनी पॉकेट में लेके कैरी करके घूमिए इसको दोस्तों, क्योंकि आप एक नेटवर्कर हैं, आपने एक
आपका प्रोस्पेक्टिंग करने में आपको बहुत आसानी होगी। इसको जेब में डाल के जरूर घूमिए। इसको सैनिटाइजर को मैं आप दिखाऊंगा, अभी सैनिटाइजर भी है हमारे पास। पपीते के पत्ते, गिलोय, अश्वगंधा, अर्जुन छाल, काली मिर्च, तुलसी, जिंजर, मुलैठी, दालचीनी, पुदीना, जीरा, जायफल, ग्रीन टी, नींबू, सदसु, सभी इसमें अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। सही मात्रा में आपके बैक्टीरिया को मारने में, वायरस को मारने में वो बहुत हेल्प करता है। कोल्ड, कफ और फीवर की समस्या से आपको बचाता है। एंटीबायोटिक और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज इसके अंदर देखी जाती हैं। दोस्तों आपके बॉडी के नेचुरल डिफेंस सिस्टम के साथ घुल मिलकर बहुत अच्छे से काम करता है। आपकी बॉडी आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, जैसे वायरल इन्फेक्शन जैसे कोरोना, जीका, स्वाइन फ्लू से आपको बचाने में बहुत हेल्प करता है। दोस्तों इसके कॉम्पोजिशन के कारण ये बहुत ही एडवांस और बहुत ही जबरदस्त एक इम्यूनिटी बूस्टर बन जाता है। लेने का तरीका दोस्तों उसका बड़ा सिंपल सा है। इसको पॉकेट में लेके तो आप कहीं भी जा सकते हैं। जहां भी आपको थोड़ा सा गर्म पानी मिले, 100 से 150 ml गर्म पानी लीजिए, इस बोतल को अच्छे से शेक कीजिए और 2 छोटे-छोटे बूंद पानी में डाल के आप धीरे धीरे सिप सिप करके पी जाइए। दोस्तों आपको इम्यूनिटी बूस्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। कम से कम 4 बार आपको एक दिन में लेना चाहिए, 4 से 6 बार अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे तो। इम्यूनोडॉक का, अभी इम्यूनोडॉक की बोतल को तो हर जगह आप लेके नहीं भाग सकते ना, तो इम्यूनिटी ड्रॉप लेके जाइए आप साथ में, ठीक है। चलिए दोस्तों आयुष क्वाथ पाउडर के दोस्तों बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये दोस्तों ये भी एक आपका एक बहुत ही जबरदस्त एक इम्यूनिटी बूस्टर है। तुलसी की पत्तियां हैं, दालचीनी है, सौंठ है, काली मिर्च इसमें पाई जाती है। तुलसी की पत्ती दोस्तों 4 पार्ट है, दालचीनी 2 पार्ट, सौंठ 2 पार्ट और काली मिर्च 1 पार्ट, ऐसा इसको बनाया गया है, इसकी कॉम्पोजिशन है ऐसी। दोस्तों इसको यूज करने का तरीका है, 300 ml पानी को अच्छे से उबाल लीजिए, 3 ग्राम आयुष क्वाथ पाउडर डालकर अच्छे से उबालिए उसको। सो जब वो उबल उबल के आधा रह जाए उसके बाद उसको छान लीजिए और चाय की तरह दिन में 2 बार खाली पेट इसका सेवन कीजिए आप। ये आपको इम्यूनिटी बूस्ट करने में आपकी बहुत हेल्प करेगा, ठीक है दोस्तों। ओके, अगला प्रोडक्ट दोस्तों हमारा प्रास डॉक अवले है। दोस्तों अवले जैसे च्यवनप्राश होता है आपने सुना होगा, अवले थोड़ा सा कंसिस्टेंसी इसकी और थोड़ा सा ये पतला होता है, च्यवनप्राश थोड़ा टाइट होता है, ये थोड़ा पतला होता है। दोस्तों देसी घी के अंदर देखिए क्या क्या चीज डाली जाती है, इसको बनाया जाता है। ब्रह्मी, तुलसी, गिलोय, शंख पुष्पी, अश्वगंधा, सौंफ, पान की पत्तियां, विदारीकंड, द्राक्ष, खजूर, सफेद मूसली, अजवाइन, एप्पल, आंवला, अंजीर, केसर, काजू, बादाम, सुंठी, काली मिर्च, लो भस्म और वंश सीड। 22 तरह के आयुर्वेदिक जो है दोस्तों इसके अंदर इंग्रेडिएंट को इस्तेमाल किया गया, 22 तरह के, जो क्या करता है आपके रेस्पिरेटरी पैसेज को खोलने का काम करता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करेगा और कॉन्स्टिपेशन की समस्या को दूर करने में हेल्प करेगा। एनर्जी दोस्तों आपकी बॉडी में बढ़ा सकता है ये, आपकी ब्लड को प्यूरिफाई करना और आपके टॉक्सिन्स को बॉडी से एलिमिनेट करने में दोस्तों आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। ब्लड प्रेशर को दोस्तों नॉर्मलाइज करने में हेल्प करता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को मेंटेन रखता है और आपकी अलर्टनेस और कंसंट्रेशन को बढ़ाने में दोस्तों आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। दोस्तों ये बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट है जो आपके लिए यूज करना बहुत अनिवार्य है, मैं तो यही एडवाइस करूंगा। बच्चे और जो कम एज के 20-22 साल के जो लोग हैं वो ये ना सोचे कि ये तो 30-35 साल 40 साल की उम्र के बाद खाना होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। अगर आपको जितना जल्दी इसका सेवन आप स्टार्ट करेंगे, अवलेह तो एक बच्चा भी ले सकता है, समझ लीजिए आप, अवलेह एक बच्चा भी ले सकता है, ठीक है दोस्तों। तो वैसे अपने वेट के अनुसार 15 से 25 ग्राम आपको डेली खाने से पहले आप उसको सेवन करना चाहिए बिफोर मील्स, क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ा जाए। चलिए दोस्तों अब है हमारा वीट ग्रास पाउडर। दोस्तों वीट ग्रास पाउडर ये होता है दोस्तों, ये आपके बॉडी में न्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी को पूरा करता है, फाइबर की मात्रा बढ़ाता है, जिससे क्या होता है आपको इजीली आप कभी आपका फ्रेश होना हो या आपको इजीली पूरा सा पेट आपका पूरा पेट साफ हो, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम करता है, हेल्दी हार्ट फंक्शंस को इम्प्रूव करता है, शुगर रेगुलेट कर सकता है दोस्तों ये, और आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन की समस्या हो, इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन हो बॉडी के अंदर, उसको ठीक करने में हेल्प करता है, वेट लॉस उसको प्रमोट कर सकता है। बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट है। लेने का तरीका दोस्तों क्या है इसका, आप सुबह इसको हल्के गुनगुने पानी में 200 ग्राम पानी के अंदर 5 ग्राम डालकर मिक्स करके आप इसको लेने आप लेना इसको स्टार्ट कीजिए, आपको इससे बहुत बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, वेट लॉस दोस्तों करने में आपकी हेल्प करेगा। ओके दोस्तों अगला प्रोडक्ट हमारा XH डॉक। दोस्तों XH डॉक का मतलब ये हमारा सैनिटाइजर है दोस्तों, हैंड सैनिटाइजर। ये दोस्तों एलोवेरा, तुलसी, गेंदा और नीम से मिलकर बना है। दोस्तों इसका यूज देखने के लिए सारे कैमरा में देखेंगे, मुझे देखेंगे सारे, ध्यान से देखिए कैमरा में देखिए आप। दोस्तों इसको यूज करने के लिए आपको हथेली पे इसको 1 से 2 ml डालना है, पहले दोनों हथेली मसलनी है आपको आपस में, फिर उंगलियों के बीच में ऐसे ऐसे करना है आपको, फिर हाथ के पीछे दोनों तरफ और उंगलियों में नाखूनों के बीच में आपको ऐसे ऐसे करना, याद रखें ये।
20 सेकंड तक आपको इसका इस्तेमाल करना है, 20 सेकंड में ये अपने आप बिल्कुल आपका हाथ जो है सूख के ये बिल्कुल उड़ जाएगा। दोस्तों हमने बहुत अपने आसपास ऐसा देखा है कि लोगों को एक्जिमा की प्रॉब्लम हो गई है हाथों में, क्योंकि वो सैनिटाइजर अलग अलग इस्तेमाल करते हैं। एक मिनट जरा सर होल्ड कीजिएगा। तो दोस्तों ये आपने ऐसे ही इस्तेमाल करना है, ठीक है ना, मैंने बता दिया आपको 20 सेकंड तक ऐसे इस्तेमाल करना है। हमारे नोन में बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आजकल देखने को मिली हैं, जिसके अंदर क्या हुआ, लोगों के हाथ में सोरेसिस एक्जिमा की दिक्कत हो गई है अलग अलग सैनिटाइजर इस्तेमाल करने से। घर में अलग, ऑफिस में अलग, कार में अलग, होटल में जाएं तो अलग, तो ये सब सैनिटाइजर इस्तेमाल कर करके उनका हाथ खराब हो गया। दोस्तों हर्बल सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, हमारे सैनिटाइजर इस्तेमाल कीजिए, आप लोग अपनी जेब में रख के भी इसको जरूर जाइए बाहर। ओके दोस्तों हमारा प्रोडक्ट है जीनोडॉक। दोस्तों ये जीनोडॉक स्पेशली फॉर फीमेल्स है, फीमेल के प्राइवेट पार्ट्स को क्लीन करना, प्राइवेट एरिया को क्लीन करने में दोस्तों आपकी हेल्प कर सकता है ये, ठीक है ना। आपको फीमेल्स के लिए दोस्तों कई बार होता है उनकी जो वजाइनल एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, ठीक है ना, सफाई ढंग से नहीं होती है, तो एलोवेरा, ड्राई नीम, गेंदा फूल, टी ट्री ऑयल, सिबक थॉर्न ऑयल दोस्तों ये इसके अंदर है। स्किन फर्मनेस और इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करने में काम करता है ये। फाइन लाइंस को दोस्तों घटाता है, मॉइस्चराइजर इंक्रीज करता है, डिप्लीटेड मॉइस्चर को दोस्तों दूर करता है, और ग्लो एंड फेयरनेस उस जगह का बढ़ाता है। यूज करने का तरीका दोस्तों 100 ml की पैकिंग में आता है, अच्छे से शेक करना है इसको, एक मग में पानी लेना है, पानी के अंदर 10-20 ड्रॉप डाल देनी है, और उस पानी से फीमेल्स ने अपने वजाइनल एरिया को क्लीन करना है, ठीक है ना, अच्छे से क्लीन करना है, एक दो मिनट तक अच्छे से साफ कीजिए, और उसके बाद उसको नॉर्मल पानी से साफ करके धो दीजिए। यही काम है, ओनली फॉर फीमेल्स ये प्रोडक्ट है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। दोस्तों हमारा आज का आखिरी प्रोडक्ट है ये, दोस्तों हमारा ये हर्बल मेहंदी पाउडर है। दोस्तों इसमें मेहंदी पाउडर है, आंवला पाउडर है, भृंगराज पाउडर है, नीम पाउडर, शिकाई पाउडर, तुलसी पाउडर, टी पाउडर। दोस्तों हम बोलते हैं दुनिया में कैसी भी आप लोगों ने मेहंदी यूज कर रखी हो, एक बार हमारी हर्बल मेहंदी का इस्तेमाल जरूर आप करें, आपके बालों को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करने में हेल्प करेगी, डैंड्रफ से दोस्तों बचाने में हेल्प करती है, स्कैल्प की चेंज को कंट्रोल करती है, एक नेचुरल हेयर कंडीशनर की तरह काम करती है, और आपके बालों को मजबूत और लस्ट्रस बनाने में आपको ये दोस्तों बहुत हेल्प करती है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारी से आप लोग संतुष्ट होंगे, और आप लोगों को सेशन जो है वो काफी पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा आपको।